करनाल नेशनल हाईवे पर नीलोखेड़ी के नजदीक बड़ा हादसा टला। पंजाब से उत्तर प्रदेश सवारियों से भरी निजी बस का संतुलन बिगड़ने के कारण बस हाईवे के नीचे बने डिवाइडर पर चढ़ने के बाद हाईवे पर पलट गई। हादसे में 10 से 12 लोग हुए घायल। कुछ घायल लोगों को मौके पर फर्स्ट एड दिया गया, वहीं कुछ घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व नेशनल हाईवे पर तैनात NHAI के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बस को क्रेन की मदद से नेशनल हाईवे से हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे कि पता लगा कि लुधियाना से यूपी के लिए एक बस चली जिसमें यूपी के रहने वाले काफी लोग थे और यहाँ इस जगह पहुंचे तो अचानक से ड्राइवर ने किसी कारण से ब्रेक ली और ब्रेक लेके उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई है और डिसबैलेंस होने के कारण उसकी सड़क के बीच में गाड़ी पलट गई। और परमात्मा का बचाव रहा कि किसी को कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, हल्की फुल्की चोटें हैं, मरहम पट्टी करवा दी गई है। हरियाणा पुलिस की एम्बुलेंस और ट्रेन वगैरह आ गई और बस को सीधा कर दिया गया है। थोड़ी देर में पूरा रास्ता क्लियर हो गया। ड्राइवर के बारे में पता लगा है कि ड्राइवर यहाँ पे नहीं है। अब किस कारण से वो भागा है, क्या है, उसके बारे में आगे जांच करके जो कार्रवाई होगी उसके बारे में जो भी ड्राइवर से पता करके जांच की जाएगी कि भीड़ ज्यादा थी या किस कारण से यात्रा हुआ।